एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि बिना थ्रेड के, बिना वैक्सिंग के किस तरह से घर पे आप जो है बहुत ही इजी वे में अपने आईब्रो को बना सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें थ्रेड चलाना नहीं आता है, वैक्सिंग करनी नहीं आती, तो किस तरह से हम अपने आईब्रो की शेप को बना सके, तो वही मैं आपके साथ बहुत ही इजी एक टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको यूज करके आप अपने आईब्रो की शेप को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको घर पे भी किस तरह से वैक्सिंग बनानी है, किस तरह से आप फेस के ऊपर वैक्सिंग कर सकते हैं या फिर बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप घर पे वैक्सिंग बनाकर बहुत ही इजी वे में अपने फेशियल हेयर को और अपने जो है बॉडी के हेयर को रिमूव कर सकते हैं। पूरा डिटेल में वो वीडियो है, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगी, जो कि है थ्रेड को किस तरह से आप सेल्फ थ्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगी। तो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें थ्रेड चलाना नहीं आता है। तो थ्रेड चलाने के दो तरीके होते हैं। एक थ्रेड चलाने का ये तरीका होता है जिस तरह से मैंने किसी और के ऊपर करना है, तो वो थ्रेड डिफरेंट होता है, और अगर मैंने खुद के ऊपर थ्रेड का यूज करना है तो उसको सेल्फ थ्रेडिंग बोलते हैं। तो उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग अलग होती है, बहुत ही ईजी होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आप जो है अपने अपर लिप्स हेयर और अपने फोरहेड के जो भी अनवांटेड हेयर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक तरीका बता दूंगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना, एक ही दिन में आपको ये आ जाएगा। तो चलिए फिर दिखाती हूँ सबसे पहले कि इसको आपको किस तरह से करना है, इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बिना थ्रेड को यूज किए हुए, बिना वैक्सिंग के आप जो है अपने आईब्रो की शेप को ठीक कर सकते हैं। मैं अपने आईब्रो के ऊपर आपको करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना सिखा दूं। तो सबसे पहले आपको चाहिए थ्रेड। तो अगर आपके पास ये थ्रेड है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जो भी घर पे है वो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ले लीजिए, तो यहाँ पे मैंने इतना ले लिया है, और इसके जो है इस तरह से मैंने इतना थ्रेड ले लिया है, और इसके बाद इसकी दोनों साइड पे आपने इस तरह से नोड़ लगा देनी है इस तरह से। और इसके बाद जो है ये जो आपका धागा है ये इतनी साइज का ही होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, ताकि इजी वे में आप जो है अपने अपर लिप्स को इससे रिमूव कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से नोड लगा के ये धागा इस तरह का आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से पकड़ना है, एक साइड इस तरह से पकड़ी, दूसरे साइड से इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। तो आप 6 से 7 इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा धागा लिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको ट्विस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने ट्विस्ट किया, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ये थंब आपने नीचे रखना है इस तरह से, और ये जो है अपने की फर्स्ट फिंगर है, इसको ऊपर वाले धागे से इस तरह से आपको पकड़ना है। आई थिंक अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कई बार समझाना नहीं आता, बट आप देख सकते हैं ये थंब मैंने नीचे रखा है और ये फिंगर ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसको करना होता है, बस ये प्रैक्टिस है आपकी, देखिए इस तरह से। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक ही दिन में आप इसको यूज करना सीख जाओगे दोस्तों, बहुत ही इजी होता है यूज करना। तो इस तरह से फिर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको यूज करना होता है। एक साइड पे आपको रखना है, दूसरी साइड से इस तरह से लेकर जाना है, और बाल आपके सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है थ्रेड को इस तरह से देखिए, बस प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी वे में आप कर सकोगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जो है आप इससे अपने अपर लिप हेयर और अपने फोरहेड के हेयर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ कि बिना थ्रेड के भी आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है आईब्रो पेंसिल। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो काजल है, आप वो ले लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास ये आईब्रो किट है आप वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आईब्रो की शेप को बनाना है, तो मैं आपके सामने आईब्रो की शेप को बना लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो आईब्रो है ना उसको ब्रश कर लेना है। इसके पीछे ब्रश लगा हुआ है, उसी को यूज़ करके मैं जो है अपने आईब्रो को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से ब्रश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है कैमरा थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आईब्रो की जिस तरह की भी आपकी शेप है ना उस तरह से आप उसको फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी पेंसिल अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने आईब्रो फिल करने वाला पाउडर का यूज़ कर लिया है ब्रश के साथ। तो देखिए इस तरह से आपको कर लेना है।
तो इस तरह से अगर आप करोगे ना, बहुत ही ईजी वे में आप अपने आईब्रो को शेप दे सकते हो और आपने जो है घर पे ही आईब्रो कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए इस तरह से आपको करना है, और जो स्टार्टिंग में होते हैं वहाँ से बाल थोड़े से लंबे होते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कॉम कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है ना, तो जो छोटी कॉम होती है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो एक्स्ट्रा बाल होंगे उसको आप सीजर से कट कर लीजिए, और जो आपके बाल नीचे हैं ना, तो उसको आप प्लकर का यूज़ कर लीजिए। बहुत ही ईजी वे में ये ना आपके बालों को निकाल देगा, और वही बाल आपके निकलेंगे जो आपके एक्स्ट्रा होंगे, दूसरे बाल आपके बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, और बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। एक बार इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसी तरह से जो है आप अपने जो आईब्रो के ऊपर के बाल है उसको भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इस तरह से थ्रेड का यूज़ करके भी बहुत ही जल्दी है जो है अपने आईब्रो की शेप को दे सकते हैं। देखिए तो दोस्तों सेल्फ थ्रेड चलाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया आप एक ही दिन में सीख जाओगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा किस तरह से बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी वे में और बिना पेन के ही, जैसे इतनी पेन नहीं होती है, और आराम से जो है अपने आप आईब्रो की शेप को दे सकते हैं। तो दोनों आईब्रो में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्लीन अप हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरे आईब्रो को भी बना लूँगी। तो देखिए इसी तरह से सेम प्रोसेस करूँगी जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको आईब्रो को कॉम करना होता है, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं आगे वाले लंबे बाल होते हैं उसको कट कर लेना है। उसके बाद जो है प्लक कर लीजिए, उससे जो भी आपके एक्स्ट्रा बाल है उसको रिमूव कर दीजिए। जी हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आपका हाथ सेट हो जाए ना, तो बहुत ही जल्दी विद इन 5 मिनट्स में आप कर लेंगे। तो मुझे भी 5 मिनट से कम ही टाइम लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज्ड टू हूँ, मैं इसी तरह से करती हूँ तो हो जाता है। तो ऊपर के बालों को रिमूव करने के लिए थ्रेड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि फोरहेड के ऊपर कुछ लोगों के ज़्यादा बाल होते हैं तो बहुत ईजी साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।